सब्सक्राइब कीजिए हमारे स्पीक अप बडीज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले देखने के लिए। आज की स्टोरी मेरे कुछ स्पेशल फ्रेंड्स को डेडिकेटेड है। मेरा नाम है राघव और आप देख रहे हैं स्पीक अप बडीज। चलिए सुनते हैं। आज ऑफिस में चाय पीते पीते तुम सबकी याद आ गई। टॉप्स की वो टपरी, काका की वो चाय फिर से मेरे आंखों को भिगा गई। मिलने की फिर से कोई कोशिश ही नहीं करता है, इतने बिजी है सब कि व्हाट्सएप ग्रुप में ढूंढना पड़ता है। टॉप्स में जमा हुए थे सब कुछ करने के लिए, कुछ को मिली मंजिल और कुछ गए अपने घर फिर से पढ़ने के लिए। क्या याद है तुमको, एक एक राउंड के बाद भी दो दो कप चाय पी जाते थे, बातें करनी होती थी बस इसीलिए चाय का बहाना बनाते थे। क्या याद है तुमको, दोस्त जैसा एक सर मिला था जो क्लास में तो बहुत मॉडेस्ट ही झाड़ता था मगर टपरी पे प्लीज यार यहाँ कोई सर मत बोलो ऐसा बोल के दोनों हाथ और पांव जोड़ता था। क्या याद है तुमको, पूरे वीक टेक्निकल क्लास तो अटेंड करते ही थे मगर पूरे शिद्दत से इंतजार बस यश के क्लास का ही करते थे। सेव ममरा का कॉम्बिनेशन चाय के साथ तो बहुत खाया था मगर जॉनी भाई का कॉम्बिनेशन चटनी और सॉस के साथ खाने में बहुत मजा आया था। क्या याद है तुमको, एक और था कमीना जो बातें करने में था महान, जिससे शुरू शुरू में मैं बिल्कुल था अनजान। नाम था उसका पिना की देता था हमको बड़े बड़े ज्ञान। अंदाज अपना अपना मूवी का था इतना बड़ा फैन जैसे बाकी सारी मूवीज पर लगा देगा बैन। क्या याद है तुमको, योगी भाई का वो इन्विटेशन हम सबको खाने पर बुलाना, फिर जो भूखड़ है बस उन्हीं लोगों का जाना। पता था मुझे कोई तो मेरे साथ बैठ के खाएगा और खाना खाने के लिए जॉनी भाई मेरे साथ जरूर आएगा। अंकिता नाम की एक फ्रेंड थी हमारी, जल्दी से इंग्लिश सीखने की जिसको लगी थी बीमारी। इट्स ट्रू, होना भी चाहिए। इतने अच्छे से नहीं जान पाया सबको क्योंकि क्लास खत्म हो जाता था भाई। वापिस से सूरत बस 2 घंटे के लिए मैं ट्रैवल करके जाता था। किसी से भी आज तक कराटे में मार नहीं खाया था लेकिन विधि से मिलने के बाद ब्लॉकिंग क्या होती है ये अच्छे से समझ में आया था। क्या याद है तुमको, हिरेन का मुझे वो सूरत घुमाना, शाहरुख खान का बंगला जन्नत छोटी साइज में दिखाना, बेकरी पर बिना पूछे कुकीज खिलाना, ये वाली कुकीज अच्छी नहीं है इतना बोल के केक उठाना और चुपचाप वहां से निकल जाना। क्या याद है तुमको, राहुल राज मॉल में रेवेनेंट देखने जाना, मूवीज तो देख लिया था मगर स्टोरी से था अनजाना। यही सोच रहा था कि किससे पूछूं यार, मुझे कोई रेवेनेंट का मतलब तो बताना। क्या याद है तुमको, यश का वो चेल्लो दिवस कितना शानदार बनाया था, उसी दिन सबके साथ फोटो क्लिक कराया था। केक तो खाने को था ही मगर उससे ज्यादा मजा तो फोटो सेशन में आया था। क्या याद है तुमको, कितने सारे लोग थे हम वहाँ। याद है बस कुछ के ही नाम मुझे, जितनों का जिक्र किया उतनों को जानता हूँ ठीक से, फिर घर वापस आ गया काफी कुछ सीख के। क्या याद है तुमको, जिसने कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाया था उस इंसान ने मिलिंद के घर बैठ के जैक डेनियल का पैक बनाया था, सालों के बाद उसी दिन गिटार हाथ में उठाया था। शायद चढ़ गई थी मुझे इसीलिए एक भी सुर ठीक से नहीं मिटा पाया था लेकिन उस दिन पीने का कसम से बहुत मजा आया था। क्या याद है तुमको, या फिर मैंने शायद नहीं बताया था इसलिए तुम्हारे सामने ये वीडियो लेकर आया था। याद करता हूँ आज भी टॉप्स की वो टपरी, काका की वो चाय और हम सबका हेलो हाय। मिस यू अलॉट गाइस।